सर्दियों में गरीब पकोड़े वाली। शिमला में रहने वाला एक गरीब परिवार जिसमें रिया अपनी माँ सुमन और पिता हिमांशु के साथ रहती थी। रिया का परिवार बहुत गरीब था, जहाँ हमेशा ही ठंडा मौसम रहता था। सर्दियों में तो बहुत कठिन दिन होते थे, जिसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। रिया के माता पिता मजदूरी किया करते थे, लेकिन उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। रिया के माता पिता सिर्फ मजदूरी करके 4 पैसे कमा पाते थे, लेकिन उसमें गुजारा होना बहुत मुश्किल होता था। जिस वजह से एक दिन रिया के माता पिता गांव के बाहर काम ढूंढने जाते हैं। रास्ते में बहुत जगह पूछने पर भी काम नहीं मिलता। उसके बाद रिया के पिता थोड़ी गहरी सोच में होते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान रास्ते पर नहीं होता और अचानक एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने आंखों के सामने अपने पति की मृत्यु होता देखकर सुमन हक्की बक्की रह जाती है और उसके मुंह से चू तक नहीं निकलती। सुमन अपने पति का अंतिम संस्कार करके अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी को सब कुछ बताती है। सुमन अपनी बेटी को अकेले ही पालने की जिम्मेदारी उठाती है। सर्दियों के इन कठिन दिनों में सुमन अपनी बेटी और अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती है। सर्दियों के दिनों में दूसरों के घरों में काम करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन सुमन फिर भी अपनी बेटी के लिए रात दिन मेहनत करके 4 पैसे इकट्ठे किया करती थी। ऐसे ही कई दिनों तक सर्दियों में काम करते करते सुमन की तबीयत खराब हो जाती है। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से सुमन काम से छुट्टी ले लेती है और एक हफ्ते तक घरों में साफ सफाई करने नहीं जाती। माँ, आप कोई और काम ढूंढ लो, सर्दियों में पूरा पूरा दिन पानी में हाथ रखने की वजह से आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई। आपके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, आप अपना ख्याल रखो, अपने लिए नहीं पर मेरे लिए ही सही। बेटा, दूसरी जगह काम करना मुश्किल है क्योंकि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता। ठीक है माँ, लेकिन तबीयत ठीक होने के बाद ही, आपको अगर ठीक लगता है तो आप कल जा सकती हो। पूरा एक हफ्ता हो गया, अभी तक आप ठीक नहीं हुई। मुझे तो चिंता है कहीं आपकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। अगले दिन सुबह होते ही सुमन अच्छा महसूस करती है और काम पर निकल जाती है, लेकिन एक हफ्ते काम पर ना जाने की वजह से लोगों ने अपने घर पर सुमन की जगह कोई और नौकरानी रख ली थी, जिस वजह से सुमन को वहाँ पर काम करने के लिए मना कर दिया जाता है। सुमन थक हार कर घर वापस आ जाती है और अपनी बेटी को सब कुछ बताती है। अब हमारा क्या होगा बेटी, मुझे तो हर जगह से निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे। माँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम पकोड़ों की रेड़ी लगाया करेंगे। मेरी दोस्त की माँ भी यही करती है, सर्दियों में लोग पकोड़े खाना पसंद करते हैं और इससे हमें मुनाफा भी होगा। बेटा, पकोड़े बनाने में बहुत सारा सामान लगता है, वो कहाँ से आएगा बेटा। माँ, पकोड़े बनाने के लिए हम साथ वाली दुकान से उधार ले लेंगे और जब हमें पकोड़े बेचकर पैसे मिलेंगे तब हम उनकी उधार चुका देंगे। ठीक है बेटा। रिया की माँ साथ वाली दुकान में जाकर पकोड़े के लिए बेसन, नमक, मिर्च आदि सामान उधार पर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ रिया गांव के बाहर जाती है, वहाँ से टूटा हुआ बेकार रिक्शा उठा लाती है। रिया घर पहुंचकर अपनी माँ को रिक्शा दिखाती है। ये देखो माँ, मैं अपनी दुकान के लिए रिक्शा ढूंढ कर लाई हूँ। अरे वाह मेरी बेटी। अगले दिन से सारी तैयारी करके रिया और उसकी माँ अपने टूटे हुए रिक्शे पर सारा सामान लोड कर लेते हैं और मार्केट में जाकर अपने पकोड़े बेचते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से सभी लोग गर्मा गर्म पकोड़े खाना पसंद करते हैं और उनकी दुकान पर आते हैं। रिया का ठेला भले ही टूटा फूटा था, लेकिन रिया के यहाँ बिकने वाले पकोड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। साथ में रिया की माँ पकोड़े बहुत अच्छे बनाती थी, जिस वजह से ग्राहकों की लाइन लग जाती थी। शाम होते होते रिया की दुकान पर पकोड़े खत्म हो जाते थे और उन्हें अच्छा मुनाफा भी होता था। धीरे धीरे राशन की दुकान से लिया हुआ सारा उधार चुका देते हैं और रिया की माँ अब सारा सामान अपने पैसों से खरीदते और पूरा दिन पकोड़े बनाकर बेचते। धीरे धीरे रिया और रिया की माँ के पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं।
वो अपने लिए कुछ अच्छे और मोटे कपड़े खरीद लेते हैं। कई महीनों तक पकोड़े बेचते बेचते उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और वो अपने लिए एक दुकान खरीद लेते हैं। अब रिया और रिया की माँ उसी दुकान में अपना सारा काम संभालती और वहीं से पैसे कमाती। इस तरह रिया और रिया की माँ की बेकार स्थिति ठीक हो जाती है और अब वो अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। रिया का रेस्टोरेंट बहुत जोरों शोरों से चलने लगता है और इस तरह वो अपने गरीब दिन बहुत पीछे छोड़ आते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगते हैं। लेकिन पड़ोस में रहने वाले विमला उनके काम की बढ़ोतरी देखकर उनसे जलने लगती है और जलन में सोचती है, दोनों माँ बेटी कितनी तेज है, सर्दियों के दिन देखकर पकोड़े बेचने लगी और लोग भी इनके पकोड़े शौक से खाते हैं, मैं भी इन्हें मजा चखा कर रहूंगी। विमला बहुत ज्यादा बेकार औरत थी जो हमेशा ही लोगों से जलती थी। विमला रिया और रिया की माँ को देखकर उनसे मन ही मन बहुत जलने लगती है और उन्हें नुकसान पहुँचाने का सोच लेती है। ऐसी ही एक दिन की बात है जब रिया और रिया की माँ दुकान का सामान लेने जाते हैं और अपनी दुकान का शटर हल्का सा लगाकर छोड़ देते हैं, तभी विमला वहाँ पहुँच जाती है। कितने पागल लोग हैं ये, अपना शटर हल्का सा ही लगाकर छोड़ गए, अब मैं इनका तेल बुरे तेल से बदल दूंगी। अब आएगा मजा, मैं भी देखती हूँ कैसे इनकी दुकान चलती है। रिया और रिया की माँ सारा सामान लेकर दुकान पर पहुँचते हैं और रोजाना की तरह पकोड़े तलकर बेचने लगते हैं। इस बात से बेखबर रिया और रिया की माँ खुशी खुशी पकोड़े तल रही होती हैं कि तभी पास में खड़ा ग्राहक पकोड़े खाकर बोलता है, हाय हाय, छी छी, मैं ये पकोड़े कैसे खा सकता हूँ, इनका तेल कितना पुराना है और ये तेल सेहत के लिए भी खराब है। अरे अंकल क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ, तेल पुराना कैसे हो सकता है, हम नया तेल इस्तेमाल करते हैं और अच्छी क्वालिटी अपने ग्राहकों को देते हैं, तभी लोग हमारे यहाँ आना पसंद करती हैं। रुको रिया, तुम खाकर चेक करो बेटी। अपनी माँ की बात सुनकर रिया पकोड़े खाकर देखती है और सच में पकोड़े में पुराना तेल डला होता है जिस वजह से पकोड़े बहुत बुरे लगते हैं। हे भगवान, अंकल आप तो सही कह रहे हो, तेल तो बहुत पुराना है, अब हम क्या करें माँ, ये बात तो सच निकली, अब लोग हमारे यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। बेटी हमें दुकान बंद करके जाना चाहिए था, ये जरूर किसी की साजिश है। रिया और सुमन दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कढ़ाई का तेल फेंक देते हैं, जिसके बाद वो अपने सामान में से लाया हुआ तेल इस्तेमाल करते हैं और उसके पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े बनते ही रिया तुरंत ही उन्हें चेक करके देखती है, ये पकोड़े बिल्कुल ठीक है माँ। रिया और रिया की माँ हमेशा की तरह अपने पकोड़े बनाकर बेचने लगते हैं और पास में देख रही विमला गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, इस आदमी को भी इन्हें तुरंत ही बताना था, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, लोग तो फिर भी पहले की तरह ही दुकान पर खड़े हैं। रिया की दुकान पहले की ही तरह अच्छे से चलने लगती है और लोग दिन पर दिन बढ़ते ही चले जाते हैं और वहीं सुमन को मन ही मन बहुत खुशी होती है कि अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और इतना पैसा इकट्ठा होने के बाद रिया और रिया की माँ अपना घर बनवाती हैं। अब रिया और रिया की माँ उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी और रिया अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और हमें रिया और रिया की माँ की तरह हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ठंड में गरीब बहू की जादुई बर्फ की साड़ी, ये कहानी है शिमला में रहने वाली सुमन की। सुमन शिमला के ही एक छोटे से गांव में अपने पति सुरेश के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी और अपना घर चलाने के लिए वो जमींदार के घर पर खाना बनाने का काम किया करती थी और उसका पति भी गांव में रहकर मजदूरी किया करता था और ऐसे ही वो लोग जैसे तैसे करके अपनी गरीबी में गुजारा कर रहे थे। दोनों ही पति पत्नी सुबह होते ही अपने अपने काम पर निकल जाया करते थे।
लेकिन जिस जमींदार के घर पर सुमन काम किया करती थी, उस जमींदार की नियत सुमन के प्रति कुछ ठीक नहीं थी। वो हमेशा सुमन को काम करते समय घूरता रहता था और उसे ज्यादा से ज्यादा काम देकर उसे अपने घर पर ही रोकने की कोशिश किया करता था। ऐसे ही आज भी, साहब मैंने सारा काम कर लिया है और आपने जो अलग से काम बताया था वो भी मैंने कर लिया है, तो अब मैं चलती हूँ। सुमन की ये बातें सुनकर जमींदार अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अरे वाह, बला की खूबसूरत होने के साथ साथ ये सुमन तो काम में भी कितनी तेज है। अरे इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था, कहाँ उस गरीब सुरेश के चक्कर में फंस गई है। लेकिन इसे अपना बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुमन इतना कहकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। और सुमन जब भी अपना काम खत्म करके घर वापस आती थी तो वो सबसे पहले अपनी पालतू चिड़िया नैनी को कुछ खाने के लिए देती थी। नैनी सुमन को कुछ साल पहले एक पेड़ के नीचे जख्मी हालत में पड़ी हुई मिली थी और उसी दिन सुमन नैनी को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसकी खूब सेवा करती है। और उस दिन से नैनी सुमन के साथ ही उसके घर पर रहने लगती है और सुमन ने उसके लिए लकड़ियों का एक सुंदर सा पिंजरा भी बना दिया था जिसमें नैनी बड़ी ही आराम से रहा करती थी। और नैनी की खास बात ये थी कि वो भी इंसानों की तरह बात कर सकती थी, इसलिए सुमन को उससे बातें करने में बहुत अच्छा लगता था। ये लो नैनी, अपना खाना खा लो। माफ करना, आज मुझे घर आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, साहब ने मुझे कुछ दूसरा काम बता दिया था, बस इसी वजह से मुझे घर आने में देर हो गई, इसलिए अब तुम जल्दी से अपना खाना खा लो। सुमन तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में नैनी तुम बहुत प्यारी हो और तुमसे बातें करके तो मैं अपनी सारी तकलीफों को भूल जाती हूँ। और ऐसे ही सुमन के दिन बीत रहे होते हैं। तभी सर्दियों का मौसम आ जाता है और शिमला में तो सर्दियों के समय काफी बर्फबारी होती है, जिस वजह से सुमन अपने पति से कहती है, सुनिए सर्दियों का मौसम आने वाला है तो हमें उससे पहले अपनी झोपड़ी की थोड़ी मरम्मत करवा लेनी चाहिए, वरना इस झोपड़ी के अंदर तो सर्दियां बिताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से यहाँ पर इतनी बर्फ भी तो पड़ती है, कहीं उस बर्फ की वजह से हमारी झोपड़ी की छत ना गिर जाए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ सुमन, लेकिन घर की मरम्मत करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जितने भी पैसे हम कमाते हैं वो सारे तो घर के खर्चे में ही निकल जाते हैं, तो ऐसे में हम घर की मरम्मत कैसे करवाएंगे? आप उसकी चिंता मत करिए, मैं कल साहब से बात करके देखती हूँ, शायद वो हमें कुछ पैसे दे दे, फिर हम उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे और धीरे धीरे करके साहब के पैसे भी लौटा देंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना कहकर सुमन अगले दिन ही जमींदार से इस बारे में बात करती है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है। और सुमन की ये बात सुनकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि जिस मौके का वो कब से इंतजार कर रहा था आज उसे वो मौका मिलने वाला था, इसलिए वो कहता है, बताओ सुमन तुम्हें कितने पैसे उधार चाहिए? ज्यादा नहीं साहब, यही कुछ 50,000 रुपए चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, मुझे मेरे पैसे सूद समेत वापस चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना? ठीक है साहब। इतना कहकर सुमन जैसे ही वो पैसे लेकर अपने घर जा रही होती है, उसी समय जमींदार अपने किसी आदमी को भेजकर सुमन के हाथों से वो पैसे छीन कर लाने के लिए कह देता है। और ऐसा ही होता भी है। सुमन जब घर जा रही होती है तभी जमींदार का वो आदमी आकर सुमन के हाथों से वो पैसे छीन कर भाग जाता है। सुमन काफी देर तक उसका पीछा करती है लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाती, इसलिए वो रोते हुए कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, इतनी मुश्किल से तो मुझे ये कुछ पैसे मिले थे, अब मैं क्या करूंगी और जमींदार साहब को उनके पैसे कहाँ से ला कर दूंगी, मैं तो उन पैसों का कोई इस्तेमाल भी नहीं कर पाई, मुझे साहब को इस बारे में बताना होगा, शायद वो मेरी परेशानी को समझे और मुझे फिर से कुछ पैसे उधार दे दे। इतना कहकर सुमन रोती हुई जमींदार के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है।
साहब अनर्थ हो गया, जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो पैसे मुझसे कोई चोर छीन कर ले गया। कृपया करके मुझ पर एक बार फिर उपकार कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे सोच समेत चुका दूंगी। अरे अरे सुमन, इस तरह रोते नहीं, इधर बैठो, तुम्हारे इस फूल से चेहरे पर ये आंसू शोभा नहीं देते। साहब ये आप क्या कह रहे हैं? अरे सुमन, तुम अभी तक मेरी बातों को समझ नहीं पाई। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से समझाता हूँ। तुम्हें मुझसे दोबारा से पैसे चाहिए ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा पैसे दूंगा और तुम्हारे पहले के पैसे भी माफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त साहब, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ तुम्हें, तुम्हें अपने उस गरीब पति सुरेश को छोड़कर मेरे पास आना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। तुझे तो पता ही है ना, मेरी पत्नी मुझे कुछ साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है, तो उसकी जगह किसी को तो मेरे पास होना चाहिए ना। ये आप क्या कह रही हो साहब, आप मेरी गरीबी का फायदा उठाना चाहते हो? एक शादीशुदा औरत से इस तरह की बातें करती हो, आपको शर्म नहीं आती? अरे मैं तो आपको एक अच्छा और भला इंसान समझती थी, लेकिन आप तो एक नंबर के घटिया मक्कार इंसान हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मक्कार कह रही है? अरे तेरी जैसी दो कोड़ी की औरत को तो मैं अपने घर में खड़ा भी ना होने दूं। चल निकल यहां से, और आज के बाद दोबारा काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जमींदार की बात सुनकर सुमन रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है, और उसे इस तरह से परेशान और उदास देखकर नैनी उससे पूछती है, क्या हुआ सुमन, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नैनी की बात सुन सुमन रोते हुए उसको सारी बातें बताती है। तभी नैनी कहती है, कोई बात नहीं सुमन, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई और काम भी तो आता होगा ना, जिसे तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। हाँ मुझे सिलाई का काम आता तो है, पहले मैं अपने घर पर वही किया करती थी, लेकिन जब से मेरी सिलाई मशीन खराब हुई है तब से मैंने कभी वो काम किया ही नहीं, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी मशीन को सही करवा पाऊँ। बस इतनी सी बात, तो मुझे अभी अपनी मशीन निकाल कर दिखाओ, मैं तुम्हारी सिलाई मशीन को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है और मेरा कितने अच्छे से ख्याल भी रखा है, तो आज मदद करने की बारी मेरी है, तो दिखाओ अपनी सिलाई मशीन कहाँ है। इतना सुनकर सुमन अपनी पेटी में से अपनी पुरानी सी सिलाई मशीन बाहर निकालती है। उसी समय नैनी उस सिलाई मशीन के ऊपर जाकर बैठ जाती है और उसके ऊपर अपनी चोंच से 3 बार मारती है, और उसके ऐसा करते ही सुमन की सिलाई मशीन एकदम से चमक उठती है और एकदम नई सिलाई मशीन के जैसे दिखने लगती है। ये लो सुमन, आज से तुम्हारी सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन की तरह काम करेगी, तुम इसे अब कुछ भी सिल सकती हो, फिर चाहे वो बर्फ ही क्यों ना हो। क्या बर्फ? हाँ बिल्कुल, तुम इसे एक बार इस्तेमाल करके देखो। नैनी की बात सुनकर सुमन फटाफट से बाहर से बहुत सारे बर्फ इकट्ठा करके ले आती है और उसे बर्फ की साड़ी सिलना शुरू कर देती है, और कुछ ही देर में वो बर्फ की साड़ी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर सुमन भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो साड़ी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और हीरे के समान चमक रही होती है। सुमन तुम एक बार इस साड़ी को पहनकर देखो, तुम्हें इसका असली जादू अब पता चलेगा। नैनी की बात सुनकर सुमन जैसे ही वो साड़ी पहनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बर्फ की साड़ी पहनकर भी सुमन को बहुत गर्माहट सा महसूस होता है और उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नैनी, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, अब मैं इसी तरह बर्फ की साड़ियों को बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। इस तरह सुमन बर्फ की साड़ियों को बनाकर उन्हें दुकानों पर बेचना शुरू कर देती है, और उसके बर्फ की अनोखी साड़ियों को देखकर हर कोई उससे ये साड़ियाँ खरीद लिया करता था, और इसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी दिया करता था, और ऐसी ही सुमन की अच्छी खासी कमाई होने लगती है, और वो बहुत जल्द अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक पक्के मकान में बदल देती है और फिर अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।